बसपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा ने कल राम की नगरी अयोध्या में महारैली, मंडल स्तरीय महारैली की। उस महारैली में अधिकतर ब्राह्मण समाज के लोग इकट्ठा हुए थे। उनका कहना था कि ब्राह्मण समाज मौजूदा भाजपा सरकार से बहुत ही दुखी, बहुत ही त्रस्त है, अतः वह बहुजन समाज पार्टी की ओर रुख कर रहा है और बहुजन समाज पार्टी के साथ ही बना रहेगा। बहुजन समाज पार्टी में ही उन्हें पूरी इज्जत और सम्मान मिला है। इस बार अयोध्या में सर्व समाज के साथ साथ ब्राह्मण समाज पूरी तरह से बसपा के साथ बना हुआ है। इस दौरान लोगों ने क्या क्या सुनिए। के लोग, सभी प्रमुख कार्यकर्ता लोग आए हुए हैं और समाज का हर वर्ग, आज जिस तरीके से भी आप देखेंगे इस प्रांगण में, इस विधानसभा में जन सैलाब उमड़ा है, वो अपने आप एक नई बात लिखने के जा रहा है कि 22 में अब ये बात प्रशस्त हो चुकी है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी और सपा की, तो वो एक सिक्के के दो पहलू हैं। आपस में जैसे फ्री फाइट कुश्ती होती है वैसे लड़ रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी वो नंबर एक और दो के लिए लड़ रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी नंबर एक पर है। ये समाज का जो पंडित जी की ये जो ब्राह्मण है या अयोध्या जनपद के हैं जी, और ये बसपा में आए हुए हैं, लेकिन जो बीजेपी है वो तो ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण जो है हमारे पास है। अरे उनके कहने से होता है, यहाँ पर आपके रैली में आए हुए हैं, ये कोई किराए की भीड़ थोड़ो ना है। ये लोग अपने गाड़ियों से, अपने वाहनों से चल करके आए हुए हैं, और ये सब आप इनसे खुद ही पूछ लीजिए कि उनके कहने से कोई आदमी जो है पैसा देकर के प्रभाव से, शासन से, प्रशासन से, अभी DM SP उनकी रैली करा रहे हैं। और ये रैली अपने उत्साह से आए, अपने नेता माननीय सतीश चंद्र मिश्रा को सुनने के लिए ब्राह्मण समाज बिल्कीपुर और जनपद से उमड़ा हुआ है, और पूरे जो है अयोध्या के साथ साथ जनपद के अन्य जिलों से भी ब्राह्मण समाज के लोग आए हुए हैं, और विशेष करके मिल्कीपुर के हर गांव गली गलियारे से ब्राह्मण समाज निकल पड़ा है। और 80,000 ब्राह्मण मिल्कीपुर में है, जो स्वयं जीत के लिए ऐतिहासिक वो लिख देगा, दस्तखत कर देगा। आज मुद्दा क्या रहेगा इस पर चुनाव? मुद्दा यही है जो विकास का मुद्दा है, पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार और पूरे प्रदेश में जो ये आतंक का राज चल रहा है, ब्राह्मण समाज की हत्या हो रही है, चाहे दलित समाज हो, चाहे ब्राह्मण समाज की बेटियां, चाहे खुशी दुबे हो, और चाहे वहाँ हाथरस में हमारी दलित बहन हो जिसको जिंदा जलाया गया, ये सारे मुद्दे हैं। पूरी लूट मची है, बेरोजगार नौजवानों के हाथ में काम नहीं है, पूरे प्रदेश में शासन जिस तरीके से अराजकता का माहौल है, हाँ, एक बिरादरी, एक समाज, चाहे दलित समाज का उत्पीड़न हो, चाहे अल्पसंख्यक समाज का उत्पीड़न हो, चाहे ब्राह्मण समाज का, सब, और महंगाई चरम सीमा पर है, तो सभी चीज़ से ऊब करके लोग बहन जी की तरफ देख रहे हैं और देख ही नहीं रहे हैं। जिस दिन बटन दबाने का मौका मिला, हाथी बम्पर वोट से चुनाव जीतेगी और पूरे प्रदेश में बहुमत के आधार पर बहुत प्रचंड बहुमत मिलेगा। वो लोग कोई 300 का नारा दे रहा है, कोई 400 का नारा दे रहा है, हम उसमें नहीं जाते हैं। ये उमड़ा हुआ जनसैलाब किराए की भीड़ नहीं है, ये अपने लोग ताकत से आए, अपने साधनों से आए।